ये से कनलजय जी, बात करें अगर कॉटन की, कपास की, तो कपास में हमने हाजिर मंडियों में तो देखा ही है कि जो कीमतें हैं काफ़ी अट्रैक्टिव बनी हुई हैं, अच्छी खासी आकर्षित हैं, और इस बार कपास ने किसानों को काफ़ी अच्छा मुनाफा भी दिया है। जैसा आपने पहले ही बता दिया था मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से कि कपास में तेजी देखने को मिली थी, आपकी उस समय प्रिडिक्शन सही निकली थी और उसका लाभ अब किसान और व्यापारी कमा देख भी रहे हैं। अब यहाँ से आपको क्या लग रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जब जब आपने बोल बताया है कि अच्छी तेजी आएगी, आप हमेशा कहते हैं कि अच्छी तेजी के बाद मंदी भी आनी जरूरी है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कपास में यहाँ पे कुछ मंदी की संभावना बनती नजर आ सकती है? अखिलेश जी, आपको याद होगा सीसीआई ने एक कॉटन का एक अनुमान दिया था शुरुआती सीजन में सितंबर अक्टूबर 2021 में, और जैसे ही जो सीजन चालू हुआ तो कॉटन के अंदर तो 3.61 करोड़ बेल्स की बात कही थी। उस वक्त भी हमने यही कहा था कि मौसम की मार की कैलकुलेशन संभवतः कहीं कोई दिक्कत हो रही है, और ये 3.61 का जो ये आंकड़ा जो सीसीआई ने दिया है इसके ऊपर हम सहमत में नहीं है, इसके अंदर 15-20% की गिरावट हो सकती है जी। और अच्छी क्वालिटी का तो माल ही देखने को संभवतः इस बार कम मिले, और वही हुआ कि अभी यदि कल ही जो सीसीआई ने जो आंकड़े दोबारा रिवाइज आंकड़े दर्शाए हैं उसमें 12 लाख गांठ का कम उत्पादन दिखाया है अपने पिछले अनुमान के हिसाब से। तो एक बार पुनः फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी और फंडामेंटल एनालिसिस की जीत हुई है, इसमें जीत और हार की बात भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को अपना अनुमान लगाना और उसका बाजारों का विश्लेषण और आकलन उसी हिसाब से करने से ही आप सही ट्रेंड को पकड़ सकते हैं। और कॉटन के अंदर भी जो ए ग्रेड की क्वालिटी यानी अच्छी क्वालिटी का कॉटन है वो बाजारों में इस बार बहुत कमी है, जबकि दागी कॉटन चाहे पिंक वॉर्म की कीड़े की वजह से कह लें, बेमौसम बरसात के लिए कह लें, खड़ी फसलों को नुकसान की वजह से कह लें, तो इस बार कॉटन के अंदर परेशानी भी आई है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर भी कॉटन का जो है वो उत्पादन कम माना गया है, यद्यपि इसमें मिश्रित है। यदि ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान को देखें वहां पर तो कॉटन का उत्पादन अच्छा है, लेकिन भारत और अमेरिका के अंदर कॉटन का उत्पादन कम है जी। और विशेषकर जो चीन है, चाइना के अंदर भी जो उन्होंने अपना रिजर्व बनाया था कॉटन का, उसकी वजह से भी खरीदारी के लिए उसको प्रभावित किया जा रहा है। तो कुल मिला के कॉटन की स्थिति अब बिल्कुल दोहराए पे आ गई है कि इस पोजीशन के अंदर अब क्या किया जाए। एमसीएक्स के ऊपर भी कॉटन के अंदर जो 20 जनवरी सन 2022 से यानी कल से कॉटन के अंदर मार्जिन की बढ़ोतरी की घोषणा कर दी गई है, ये 3% अधिक, अब यदि कॉटन की कोई सेलिंग या बाइंग करेगा एमसीएक्स के अंदर तो 3% अधिक वायदे उसमें उसको मार्जिन जमा देना पड़ेगा, ये भी घोषणा हो चुकी है। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि अब कॉटन के अंदर कुछ ठहराव आने की संभावना बनती है। आने वाले एक महीने के अंदर, लगभग 20 से 25 दिन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन आने की संभावना बनती है। याद रखना दोस्तों, यदि पेट भरने के बाद आप नहीं उसको हाजमा करते हैं तो वो फिर खाना परेशानियों का सबब बन जाता है। आप अच्छा खाइए, अच्छा पचाइए, तभी आपका बॉडी स्वस्थ रहेगी। ऊपरी स्तरों के ऊपर पूरा लाभ मिलने के ऊपर भी लाभ यदि आप नहीं बुक करते हैं तो ये व्यापार के नियमों के खिलाफ है। तेजी, अच्छी तेजी, बहुत तेजी, बहुत तेजी, लेकिन एक सीमा के बाद में आने के बाद में कुछ मुनाफा वसूली करना लाजमी होता है। महंगा आता है, महंगा बिकता है, यदि आपने अच्छी नीचे भाव में ले रखी है तो उसके अंदर यदि मुनाफा आ रहा है आपको बहुत शानदार, 40% का भी मुनाफा, 50% का मुनाफा कृषि जिन्सों में बहुत बड़ा माना जाता है। यदि सितंबर अक्टूबर के भाव देखें, अभी यहाँ के भाव देखें, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी 120.30 का जो सेंट का जो भाव है आईसीई के अंदर, वो भी एक अच्छा ऑल टाइम हाई है, जो पिछले लगभग 10 सालों का सबसे उच्चतम भाव है। तो यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली की संभावनाएं, इसे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये कितनी होगी और कब वापस और तेजी आएगी, और बहुत तेजी हम विशेष शो लेके आएंगे, लेकिन मेरी यही राय रहेगी इस लेवल के ऊपर कुछ मुनाफा ले लेना चाहिए। ये अखिलेश जी जी, सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तब बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।